नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। लखनऊ में डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने रूट्स डेंटल क्लिनिक का स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में फैशन डिजाइनर श्वेतांक शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लखनऊ में डायनेमिक फसाद लाइटिंग का लोकार्पण किया गया। ये कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया। ग्रेटर नोएडा में एसएचओ की पत्नी ने लावारिस मिली बच्ची को स्तनपान कराया। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके की झाड़ियों में बच्ची पड़ी हुई थी। सुल्तानपुर में बलदिराया ब्लॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का उद्घाटन हुआ। इसकी शुरुआत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की। सुल्तानपुर में सीएमओ ने जनसामान्य से कोविड 19 से बचाव की अपील की। सीएमओ ने कहा कि सभी लोग कोविड 19 के नियमों का पालन करें। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। डीएम ने सभी को जल्द ही निस्तारण का आश्वासन दिया। सुल्तानपुर में सभी थानों की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। यहां टीम ने बैंक के अंदर और बाहर दिखने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। सुल्तानपुर में एसपी ने एसपी ऑफिस में जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित को निस्तारण का निर्देश दिया। अमेठी में योग प्रशिक्षक योगाचार्य नर्वदेश्वर उपाध्याय ने बच्चों को योग सिखाया और बच्चों को योग से होने वाले सभी लाभों की जानकारी भी दी। अमेठी में सुशासन दिवस के मौके पर सांसद ने 113 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटा गया। अमेठी में एसपी ने थाना मुसाफिरखाना के थाना परिसर में कार्यालय शस्त्रागार सहित तमाम विभागों की चेकिंग की। एसपी ने लंबित विवेचनाओं को लेकर अधिकारियों को आदेश निर्देश भी दिए। अमेठी में जायज पुलिस ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। यहां सभी को सिखाया गया कि मंचलों की शिकायत कैसे करनी है। अमेठी में मुंशीगंज के इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र ने निःशुल्क नेत्र जांच प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया। यहां 276 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के पास बने चर्च में केक काटकर प्रार्थना की गई। यहां सभी ने प्रार्थना करने के बाद खूब मस्ती की। अयोध्या के मुमताज नगर में अयोध्या महोत्सव का आगाज करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये महोत्सव 29 दिसंबर को शुरू होगा और 8 जनवरी को सम्मान समारोह के साथ इसका समापन होगा। अयोध्या में राम पथ का निर्माण कार्य खूब तेजी से हो रहा है। यहां अब तक 600 से ज्यादा बैनामे हो चुके हैं। अयोध्या में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। मौके पर सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में मानधाता के बजरंगबली मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। यहां कई भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री अटल जी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी भाजपाई को अटल जी के बताए गए नियमों को नहीं भूलना चाहिए। जौनपुर में थाना समाधान दिवस पर एसडीएम मान चक्कर सख्त तेवर में नजर आए। एसडीएम ने यहां पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को तीखे लहजे में समय से कार्रवाई करने का आदेश दिया और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से नए विधायक आकाश सक्सेना ने लखनऊ विधानसभा में शपथ ग्रहण की। आकाश को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। रामपुर में रामपुर वेटरन्स और बुलंदशहर वेटरन्स क्रिकेट टीम के बीच मैच आयोजित हुआ। रामपुर के कप्तान डॉक्टर तनवीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। लखीमपुर खीरी में निघासन पुलिस फायर स्टेशन में बिजली गुल रही। बताया जा रहा है कि पुलिस फायर स्टेशन का 44 लाख का बिल बाकी है। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने 8 वाटर कूलर्स का लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि इसकी अनुमानित लागत 16 लाख रुपए है। लखीमपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही यहां प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनी गई। सहारनपुर में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने उतरे। यहां हजारों की संख्या में जैनियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। देवरिया में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 62वें अधिवेशन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल हुए। कन्नौज में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंक कर विरोध जताया। ये सभी पठान मूवी को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में हैं। कन्नौज में तालग्राम थाना के नरुया गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। भाजपा नेता व पूर्व प्रधान मृतक अरुण शाक्य के परिवार को 15 लाख रुपए का चेक सौंप कर आर्थिक मदद की। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।